हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको झटपट से शामी कबाब बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक पाव चने की दाल को बॉईल कर लेना है और उसको एक इस तरह के चॉपर में डाल देना है। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का आलू बॉईल करके मैंने डाल दिया है और इसी के साथ साथ 400 ग्राम इसके अंदर चिकन को बॉईल करके मैंने डाल दिया है। हमने प्याज को कच्चा इसके अंदर नहीं डालना, नहीं तो वो पानी छोड़ देगी, इसलिए हमने प्याज को इस तरह से फ्राई करके इसके अंदर डाल देना है। हरा धनिया और हरी मिर्चों को चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे। इधर मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून भर के, उसी के अंदर काली मिर्च है साबित और एक दालचीनी है, इसको भी इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से पहले इसको हमने इस तरह का इसका पेस्ट बना लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालनी है। बाकी की चीज़ों में इधर हमारे पास एक अंडा है, वो इसके अंदर डाल देंगे और सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। वन टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और नमक भी 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून दरा लाल मिर्च ली है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर साबुत धनिया भुना हुआ पिसा हुआ इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको दोबारा एक दफ़ा अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। जब हमने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया तो इसका इस तरह की शक्ल हो जाएगी। इसको आपने एक बाउल में निकाल के थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको कबाब की शक्ल दे देनी है, जिस तरह से भी आपको छोटे बड़े चाहिए आप कर सकते हैं। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके थे, अब मैं इस तरह से इसके सारे कबाब रेडी कर लूँगी। आप इन कबाब को फ्रीज भी कर सकते हैं। एक एयर टाइट बॉक्स लेके आप इसके अंदर इस तरह से कबाब रख के इसके ऊपर बटर पेपर बिछा के दोबारा इसके ऊपर कबाब रख के इसको अच्छे तरीके से बंद करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। 1 महीने तक इसे कुछ नहीं होगा, आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब को हम कोई भी अंडा वगैरह लगा के फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर अंडा डाल दिया था। ऑयल गरम करके इसके अंदर कबाब डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमारे कबाब बहुत मज़े के रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़।